प्रार्थना करके सोओगे तब। क्या आप में से कोई प्रार्थना करता है? यस यस। तो क्या आपने प्रार्थना करके अपने रिजल्ट्स को अचीव किया है? यस। तो हमारा ये सब्जेक्ट रहता है कि हेल्थ एंड वेलनेस, डिवाइन डाइट एंड स्पिरिचुअलिटी। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम कोई भी चीजों को नहीं देते हैं, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप सही भोजन करो। जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, कौन बना रहा है, कितना खाना है, किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें छुपी हुई है। फिर और उसके साथ साथ और भी छुपा हुआ है कि भाई आप कैसे बैठ के खाते हो, आपके खाने के समय आप और क्या क्या करते हो, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है। तो ये हम हमारी ओर से आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से लोगों का काउंसलिंग करते हैं। क्या आप लोग भी सहमत हो? हमें लगता है कि वेलनेस इज एक्सपेंसिव, लेकिन जिस तरह से आप जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हो, जैसे आपने पीटर जी ने जिस तरह से नोनी का आविष्कार किया है, तो उसी तरह से ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स और हमारे साथ जुड़े हुए कई परिवार ओरिजिनल हेल्दी चीज़ों को तैयार करता है, लेकिन हमें वो फालतू लगता है। कभी आप फार्म पे जाते हो तो आपको पता है, हमें अगर कुछ चाहिए तो फार्मर हमारा पैसा भी नहीं लेता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस। क्योंकि वो प्रेम बांटने में मानता है, उसको पैसा क्या है पता ही नहीं है। तो ये हमारी भारत की भूमि है जहाँ पर हम इतने रिच हैं कि हम खाने पीने के पैसे के मामले में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसे फार्मर्स के लिए हम एक जबान बनते हैं, एक एक्सप्रेशन सेंटर बनते हैं, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हजारों फार्मर्स उनकी जबान ना होने के बावजूद उनके किए हुए अच्छे कार्यों को वो हमारे साथ शेयर करता है। तो हम उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनते हैं। एडल्टरेशन, क्या हमें पता है कि हम जो दूध ले रहे हैं, हम जो तेल खा रहे हैं, हम जो फ्रूट्स ले रहे हैं, हम जो सब्जी खा रहे हैं, कितना सारा एडल्टरेशन है? सही है, काफी लोगों को नींद आ गई है लगता है। यस। तो यही, ये जो मेहंदी लगाई है दुल्हन ने, वो एडल्टरेटेड मेहंदी की वजह से उसका पूरा हाथ एलर्जी से खराब हो गया। तो उसी चीज़ को हमने लोगों तक बताने के लिए एक जरिया बना दिया कि भाई अगर हम एडल्टरेटेड चीज़ों को हमारे जीवन में से हटा देते हैं तो हम और ज़्यादा सही तरीके से फार्मर की वैल्यू कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा 25 सालों में मैंने वेट लॉस पेशेंट्स सबसे ज़्यादा लिए हैं। 3 से 4 महीने में उन लोगों का 25 से 30 किलो 35 किलो वज़न कम करती हूँ, लेकिन बिना किसी प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के बगैर, बिना किसी प्रोडक्ट के। लोगों को लगता है कि भाई वज़न कम करना मीन्स भूखा रहना, नहीं, हमें सही खाना खाने की ज़रूरत है, आहार संस्कार की ज़रूरत है। हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे बैठ जानी चाहिए कि हम हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं। तो इसी का हम कैंप लेते हैं और जिसमें हम टोटली काउंसलिंग करते हैं। तो आप सब पढ़ पा रहे ना सभी लोग? हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा खाना खाओ जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। हम ये चाहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में ऐसा कदम उठाओ कि जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। और यही हमारी टैगलाइन है, यू आर योर ओन बेस्ट डॉक्टर, राइट? सही है? यस। ये बात जो दिखाया गया है कि 75% हमारी आदतें, 75% हमारा खान पान, खाने की वजह से हमारा अर्निंग, हमारा इफर्ट,
एनर्जी हम सब कुछ डॉक्टरों को दे देते हैं, तो उसमें से हमें बाहर निकलने के लिए खाना जो है उसको हम दवाई के जैसा खाएंगे, तो दवाइयां हमें चने कुरकुरे के जैसा खाना खाना नहीं पड़ेगा। लोगों के पास 15 से 20 डॉक्टरों की फाइल रहती है, अरे मुझे आंख में कुछ हो गया था तो मैं आई स्पेशलिस्ट के पास चला गया, अरे मुझे नी पेन हो गया था तो मैं मेरे फिजिशियन को बताया तो उन्होंने बोला कि नी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डायबिटीज हो गया तो मैं उसके स्पेशलिस्ट के पास चला गया। अरे 15 डॉक्टर आपको इतनी सारी दवाइयाँ देंगे सुबह दोपहर शाम, और फिर लेकर आप जब घर में बैठोगे तो पूरी बास्केट भर जाएगी, ये बास्केट में जो चने कुरकुरे के जैसा आप दवाइयाँ खाओगे तो उन दवाइयों का एक दूसरे के साथ तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा या रिएक्शन हो जाएगा, उसके लिए कौन सा डॉक्टर है आपके पास? सही है, तो उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। फिर जो जिसका जो होना है वो पूरा विशेष सर्कल है, दवाइयाँ खाई फिर हमें साइड इफेक्ट हुई, टेम्पररी जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें से हम बाहर आए, उसके बाद जो साइड इफेक्ट हुई वो और बढ़ गई, एसिडिटी हुई हमने और फिर से दवाई खाई, साइड इफेक्ट के ऊपर हमने रिपोर्ट निकलवाए, रिपोर्ट निकाल कर हम फिर से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि मेरा काम नहीं है स्पेशलिस्ट के पास जाओ, स्पेशलिस्ट बोलेंगे कि भाई नए रिपोर्ट निकलवाओ, तो ये पूरा विशेष सर्कल हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? यस। नेक्स्ट, गर्भ संस्कार। हमारे भारत में ये प्रथा सदियों से प्रचलित है, बच्चे को जन्म देना है तो अलग बात है, हस्बैंड और वाइफ को गृहस्थ जीवन जीना है एंजॉय करना है तो वो अलग बात है। बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भ संस्कार अडॉप्ट करना चाहिए, कपल काउंसलिंग होना चाहिए, पहले से उन दोनों का तालमेल होना चाहिए, मियाँ बोलेगा कि मैं सही, बीवी बोलेगी मैं सही, तो वहाँ फिर जो बच्चा आएगा वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ना मियाँ संभालेगा ना बीवी संभालेगी, सही है? तो गर्भ संस्कार हमारे यहाँ होता है, ये पूरी नीरा विश्वविद्यापीठ है, आध्यात्म पीठ है, जिसके ये सारे डिविजन्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मिनट फिर से कहिए। तो इसी में महिलाओं का मेनोपोज, जिसका आज बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कोई परेशानी रहती है, ये सारी परेशानी हमने कार्टून फॉर्म में बताई है, हॉट फ्लशेस आते हैं या उनको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये सारी चीज़ें महिलाएं ड्यूरिंग मेनोपॉज फेस करती है, तो उसमें से भी उनको निकाल के उनको एक सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है जो मैं आपको बता रही हूँ। आजकल के हेल्थ के डिवीज़न में नाड़ी परीक्षा सिखाना बंद हो गया है, मुझे पता चला था पीटर जी, नाड़ी परीक्षा भी अभी नहीं सिखाई जा रही है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई हम रिपोर्ट्स निकलवा लेंगे मशीनों से, अरे मशीन जो आपके बारे में बताएगा और कोई इंसान आपके बारे में बताएगा उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, एक माँ अपने बेटे को देखती है तो देखते ही समझ जाती है कि इसको क्या हुआ है, देखते ही समझ जाएगी, है ना? तो उसी तरह से अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अपनापन है तो अपनापन की वजह से उस चेहरे को वो पढ़ पाएगा, उस आंखों को वो पढ़ पाएगा, उस नाड़ियों को वो पढ़ पाएगा, तो तुरंत पता चल जाएगा कि भाई पेशेंट को क्या हुआ है, इसमें रिपोर्ट्स निकालने जाने की क्या ज़रूरत है। तो हम किसी के भी जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान खुद अपनी समस्या का डॉक्टर बन जाए, अपनी समस्या में से बाहर आ जाए और फिर से दोबारा उस समस्या में फिर से आए नहीं। तो ये नीचे जो फोटो है उनका वजन था 82 या तो 88 केजी वजन था,
जुलाई महीने की बात है, जुलाई 2017, और जो ऊपर फोटो है वो उन्हीं की फोटो है राइट साइड में। 4 महीने के अंदर उनका हमने 25 से 27 किलो वजन कम किया बिना किसी दवाई के, सिर्फ लाइफस्टाइल बदल के, डिवाइन डाइट का ध्यान करवा के, और वो उनके ही किचन को औषधालय बनाकर उसी में से उनको उन सारी चीज़ों से उनका वजन कम हुआ बगैर कोई चीज़ों। तो ये हम जो उनके साथ जो मैडम खड़ी थी लास्ट फोटो, संजीव कपूर फेम, खाना खजाना फेम संजीव कपूर जी की वाइफ है वो, जो ये बाजू है तो वो उनकी सिस्टर है। तो ज्योत्सना जी को लग रहा था कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, मेरी सिस्टर तो कितनी पतली है, तो वो हमारे पास आई थी और उनका वजन जिस तरह से चेंज हुआ, जिस तरह से कायाकल्प हुई, तो हमने टैगलाइन शुरू कर दी है कि बुढ़िया में से गुड़िया बनना है तो आपको हमारे साथ हाथ मिलाना होगा। हम अकेले नहीं है, हम इस मामले में अकेले नहीं है, हमें सामने वाले इंसान का साथ लगता है 50%। ये आपके मोबाइल में भी तो व्हाट्सएप है, हम बगैर किसी काउंसलिंग चार्ज लिए आपको अभी काउंसलिंग कर रहे हैं कि ईट डिलीट का मैंने व्हाट्सएप में से ही निकाला है। व्हाट्सएप सबके पास है लेकिन स्माइली उसका हमने हाईएस्ट एंड बेस्ट यूटिलाइज करके सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको हम बता सकते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, और ये कैंप हम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस कैंप। वेल, व्हेन आई रिप्लेस विद मी इवन इलनेस बिकम वेलनेस। क्या आप लोग मानते हैं? यस। अभी हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आते हैं, लेकिन ईट डिलीट के ऊपर मैं एक स्टोरी बताना भूल गई। एक राजा था, उस राजा ने एक वैद्य राज को अपने नगर में इनवाइट किया। बहुत ही पहुँचे हुए वैद्य राज थे, तो राजा ने कहा कि वैद्यराज आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे नगर में रहिए, मैं आपको सारी सुविधाएं करके देता हूँ, आपको जितनी किताबें पढ़नी है उतनी पढ़िए, लेकिन मुझे एक ऐसा चीज़ बताइए, एक छोटा सा जो मैं फॉलो कर सकूँ और मैं हेल्दी रह सकूँ, लॉन्ग लाइफ जी सकूँ, मुझे कोई तकलीफ ना आए। वैद्यराज ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अध्ययन शुरू किया, वैसे तो वो राज वैद्य हो गए, तो फिर भी उन्होंने अभ्यास शुरू किया क्योंकि राजा को बताना था। तो धीरे धीरे करके एक छोटी सी पुस्तिका बनाई, इतने सारे शास्त्रों में से उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका बनाई कि भाई ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। राजा ने पुस्तिका उनके वापस हाथ में दे दी। मैं इतना सारा फॉलो नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे उसमें से भी थोड़ा सा सारांश बता दीजिए जो मुझे फॉलो करने में आसानी रहे। तो फिर वैद्यराज ने फिर से दोबारा अपना अभ्यास शुरू किया। पहले उनको 3 महीने लगे थे, अभी उनको 1 हफ्ता लगा। वो छोटी सी पुस्तिका में से उन्होंने एक कागज़ तैयार किया, छोटा सा एक कागज़ कि इतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। राजा ने वो कागज़ वापस थमा दिया। वैद्यराज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये इतना छोटा सा सारांश निकाल के दिया है मुझे, लेकिन मुझे इतना भी फॉलो करने का टाइम नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है, आप कृपा करके मुझे छोटा सा कोई सूत्र बताइए जिससे मैं हमेशा हेल्दी रहूँ। तो क्या आप बता सकते हो कि वो सूत्र क्या है? कोई बताना चाहेगा? मैं ही बता दूं? Yes. मुझे तो सिर्फ 2 लोगों की आवाज आई है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी।
बाकी सबकी आवाज नहीं आई है, यस, तो वो सूत्र वैद्यराज ने, राजवैद्य ने राजा को दिया था कि सिर्फ इतना ही कर लोगे तो भी हमेशा हेल्दी रहोगे, और वो सूत्र है जीर्णे भोजनम, जब भूख लगे तभी ही भोजन करो। ये एक सूत्र से हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। फार्मर भी यही बताना चाहता है इनडायरेक्टली कि जो हम इतनी खून पसीने की कमाई से हम अनाज तैयार करते हैं और वो अनाज जिस तरह से वेस्ट होता है, सिर्फ भूख लगे तभी ही इंसान अगर खाना खाता है तो उसको पत्थर भी हजम हो जाएगा। तो ये चीज अगर हम आज यहाँ से पीटर जी के जन्मदिन पर एक संकल्प ले और फिर यहाँ से हम अपने जिंदगी में वापस लौटे तो अगले 3 महीने में आपकी सारी बीमारी निकल सकती है। क्या आप सहमत है? यस, थैंक यू। अभी मैं नीरा मल्टीवर्स सिटी के बारे में बताना चाहिए। क्या आप लोग बोर हो गए हैं? मैं चली जाऊं? थैंक यू। तो ये नीरा विश्वविद्यापीठ ऐसा नहीं है कि ये विश्वविद्यापीठ है तो कहीं फॉरेन में चली गई है, नहीं, फॉरेन में नहीं चली गई है। भारत ने जितना हमें दिया है उसमें हम भारत में एक कदम रखना चाहते हैं हमेशा। अगर इंसान धरती पर नहीं रहता है तो वो फार्मर का जो भाई है बिजनेसमैन, उसके जैसा हालत होगा, न घर का रहेगा न घाट का। तो हम भारत में पहले अपना एक स्थान